फिरोजाबाद में भीम आर्मी ने सीए और एनआरसी के विरोध के चलते 23 फरवरी को भारत बंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान किया। फिरोजाबाद में भीम आर्मी ने सीए और एनआरसी के विरोध के चलते 23 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया। फिरोजाबाद में भीम आर्मी भारत एकता मिशन फिरोजाबाद के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया गया कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर पूरी तरह से देश बंद रहेगा, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा चुका है। ये विरोध प्रदर्शन सीए और एनआरसी और एनपीआर के विरोध में किया जाएगा। 7 फरवरी को आए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, जिसमें एससी एसटी पदोन्नति आरक्षण और मौलिक अधिकार नहीं मानते हुए सरकार की मनमानी पर छोड़ दिया, लगातार हो रहे संविधान से छेड़छाड़ के विरोध में भारत बंद रखा जाएगा, जिसमें उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह, मंडल संगठन सचिव योगेश गौतम, महानगर अध्यक्ष जगदीश भाई, जिला प्रभारी विश्व गगनदीप, जिला संगठन सचिव बंटी भाई मोनू सिंह और फरहान कुरैशी आदि मौजूद रहे। आर्मी के प्रमुख बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार जनपद फिरोजाबाद में 23 फरवरी को भारत बंद का आह्वान रखा गया है, जिसमें हम सभी पदाधिकारी संविधान एवं कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं और वह जिलाधिकारी महोदय के माध्यम द्वारा भारत सरकार को ये बता देना चाहते हैं जो संविधान में छेड़छाड़ हो रही है इसको बंद किया जाए और जो भी हम लोगों के ऊपर अत्याचार सरकार द्वारा या जिस तरीके से हो रहे हैं, हम लोगों की मांगों को भाई चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं और हम लोगों पर यही आदेश है, उस हिसाब से बड़े भाई का जो भी आदेश होता है उसी हिसाब से हमारी भीम आर्मी काम करती है। उन्हीं के लिए भारत जो बंद है 23 को, उसमें हम लोग अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और यही हम अपने बहुजन समाज से भी अपील करते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी का साथ दें, अधिक से अधिक हमारे बहुजन समाज की लड़ाई, अगर देश के अंदर कोई लड़ रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के मुखिया, इस देश के दबे कुचले 85% लोगों की लड़ाई अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है देश में सच्चे मन से और जमीन से लेकर सड़क तक, तो वो एक ही नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, हम लोग उन्हीं की बात करते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए अपना काम करते हैं और 23 तारीख को संविधान के दायरे में ही रहते हुए अपना जो भी प्रोटेस्ट होगा, बंद का आह्वान होगा, शांतिपूर्वक ढंग से कानून का पालन करते हैं। जय भीम जय भारत। भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा संपूर्ण भारत बंद बुलाया गया है 23 फरवरी को। बंद बुलाया गया है एस सी एस टी के जो पदोन्नति आरक्षण को खत्म किया गया है 7 फरवरी को, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और एनआरसी एनपीआर सीए के विरोध में बंद बुलाया गया है और लगातार संविधान से हो रही छेड़छाड़ के विरोध में बंद बुलाया गया है। इसमें हम भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी फिरोजाबाद बंद में सहयोग करते हैं और इस बंद को संपूर्ण जोरों से बंद रखा जाएगा फिरोजाबाद और डीएम महोदय को ज्ञापन भी किया जाएगा 23 फरवरी को। भीम आर्मी के प्रमुख बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार जनपद फिरोजाबाद में 23 फरवरी को भारत बंद का आह्वान रखा गया है, जिसमें हम सभी पदाधिकारी संविधान एवं कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं और वह जिला अधिकारी महोदय के माध्यम द्वारा भारत सरकार को ये बता देना चाहते हैं जो संविधान में छेड़छाड़ हो रही है इसको बंद किया जाए और जो भी हम लोगों के ऊपर अत्याचार सरकार द्वारा या जिस तरीके से हो रहे हैं, हम लोगों की मांगों को भाई चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं और हम लोगों का यही आदेश है, उस हिसाब से बड़े भाई का जो भी आदेश होता है उसी हिसाब से हमारी भीम आर्मी काम करती है। उन्हीं के लिए भारत जो बंद है 23 को, उसमें हम लोग अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और यही हम अपनी बहुजन समाज से भी अपील करते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी का साथ दें, अधिक से अधिक हमारे बहुजन समाज की लड़ाई, अगर देश के अंदर कोई लड़ रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के मुखिया, इस देश के दबे कुचले 85% लोगों की लड़ाई, अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है देश में सच्चे मन से और जमीन से लेकर सड़क तक, तो वो एक ही नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, हम लोग उन्हीं की बात करते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए अपना काम करते हैं और 23 तारीख को संविधान के दायरे में ही रहते हुए अपना
जो भी प्रोटेस्ट होगा, बंद का आह्वान होगा, शांतिपूर्ण ढंग से कानून का पालन करते हैं। जय भीम, जय भारत।